वेलकम टू ऑनलाइन असिस्टेंट, सीधी बात नो बकवास। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक नोटबुक के पेज का डिज़ाइन आप यहां पे बना सकते हैं एमएस वर्ड में। मैंने बनाया था, आप यहां पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे और एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहां पे न्यू पेज लेने के बाद आपने यहाँ पर पेज सेटअप करना है सबसे पहले, तो आते हैं पेज सेटअप में। पेज सेटअप में सबसे पहले आपको मार्जिन सेट करना है। यहाँ पर आपको कस्टम मार्जिन मिल जाएगा। आपको मार्जिन में यहाँ पे जो भी एक एक इंच आ रहा है सबको आपको ज़ीरो करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। मार्जिन सेट करने के बाद आपने पेपर साइज में आना है। यहाँ पे साइज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ A4 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये जो पेज का सेटअप है वो हमारा हो गया। उसके बाद आपने आना है इंसर्ट में। यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा, आप टेबल पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको सिर्फ रॉ लेना है, कॉलम्स नहीं लेने। रॉ लेने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रॉ को, और देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे जो आपको ऊपर में जो एरो का मार्क्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आप होम पे आएंगे और यहाँ पर आपको इसका जो साइज है वो आपको कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग इसको आपको बड़ा कर लेना है। मैंने यहाँ पे इसको 20 रखा है। साइज सेटअप करने के बाद आपको फर्स्ट लाइन जो दिखाई देता है यहाँ पे आपने आना है अपने कर्सर को लेके, और इसको आपने पेज के हिसाब से आप जो हेडर है, जो पेज के ऊपर जो स्पेस रहता है कितना रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर लें। इसको सेट करने के बाद आपने नीचे वाले रो में आना है और आपने टैब प्रेस करना है। जब आप टैब प्रेस करेंगे तो ये जो लाइन्स है वो बढ़ती चली जाएंगी। जब यहाँ पे आपका एक पेज का पूरा कंप्लीट रॉ सेलेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। अब देखिए हमने आना है फिर से इंसर्ट में। यहाँ पे आपको शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो शेप है लाइन का इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है कितना मार्जिन साइड से रखना चाहते हैं लेफ्ट से, वहाँ पर आपको यहाँ इंच में भी दिखाई दे रहा है ऊपर में, उसके सामने से हम यहाँ पर 1.5 इंच का लगभग रख लेते हैं। एक लाइन आप ले लें। अब इसको लेने के लिए आपको दोस्तों शिफ्ट प्रेस करें ताकि जो लाइन है वो सीधी आए। जब आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी यहाँ पे आ जाएगी। देखिए लाइन जो है हमारी आ गई है। अब इसी तरीके से फिर से आप लाइन लें और यहाँ पे आपको शिफ्ट के साथ एक लाइन ऊपर से खींच लें। लाइन हमने खींच ली है। अब इसका जो कलर है उसको शेप आउटलाइन कलर में जाके आप रेड कर दें। मैंने फिर इसको रेड कर दिया। अब देखिए जो कलर है वो आउटलाइन का हमारे वो रेड हो चुका है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप एरो डाउन की से इसको डाउन और अप एडजस्टमेंट के अनुसार कर सकते हैं। अब देखिए इस लाइन को हमने डबल करना है। थोड़ा जूम करते हैं। इस जो लाइन को हमने लिया था उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ यहाँ पे इसके बगल में थोड़ा सा खींच ले, एक और लाइन बन जाएगी। अब जो हमारा जो नीचे का लाइन है रेड वाला, इसको भी हम डबल करेंगे। इसको भी कंट्रोल के साथ यहाँ पे खींच लेंगे। देखिए जो नोटबुक का जो डिज़ाइन होता है वो लगभग हम लोग का तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, फिर से इंसर्ट में आना है और यहाँ पर आपको इंसर्ट में आने के बाद फिर से शेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ये शेप है राउंडेड, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम इस तरीके से जो शेप है उसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद शेप आउटलाइन में वही कलर ले लेंगे रेड वाला। अब देखिए यहाँ पे जो है डिज़ाइन हमारा हो गया है रेक्टेंगल में। अब हमने फिर से इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो हमने शेप बनाई है उसके अंदर ही एक बॉक्स यहाँ पर बन जाएगा। बॉक्स लेने के बाद वहाँ जो शेप का जो आउटलाइन है उसे वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद होम पे आएंगे और सबसे पहले हम ऊपर डेट दे देंगे। एंटर दबाएं और यहाँ पे आपने पेज देना है। पेज देने के बाद यहाँ पे भी डॉट डॉट दे देंगे। अब कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे
होम पे आएंगे, यहाँ पे आपको नो स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पे ये जो साइज़ है इसका एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने जो पेज का जो ब्लैंक जगह छोड़ी है उसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए कहीं खाली जगह में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिल जाएगा। अब इसका जो कलर है उसको हम यहाँ पे होम पे रहेंगे, होम वाले टैब पे, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है उसे रेड कर देंगे। देखिए हमारा जो डिज़ाइन है नोटबुक का जो पेज है वह तैयार हो गया। यहाँ पे हमने एक ही पेज में इसे तैयार किया है। आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, हमारा जो कर्सर है यहीं पे ब्लिंक हो रहा है, तो हमने क्या करना है इस रोज को ऐसे सेलेक्ट करें और ऊपर में जाएं। यहाँ पे आपको ये जो एरो दिखाई दे रही है इसको यहाँ पे सेट कर दें जहाँ से आपको टाइप करना है या फिर लिखना है, इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और इधर से भी आप सेट कर दें जहाँ पे आपको एंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो है मार्जिन के बाद ही लिखना शुरू होगा। नीचे आने के लिए आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। आप चाहे तो इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से जो नोटबुक के पेज का जो डिज़ाइन है वो बन गया। हम चाहे तो यहाँ पे आसानी से इसे टाइप कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन में जाएं, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें और जो भी प्रिंटर आपका अटैच है सिंपली आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। सेवेस पे जाएं, यहाँ पे पीडीएफ और एक्सपी इसका ऑप्शन मिलेगा आपको। आप यहाँ से इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। देखिए हमने जो डिज़ाइन किया था वो यहाँ पर पीडीएफ में सेव हो गया है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में देखा हमने कि कैसे नोटबुक का जो पेज है उसे एमएस वर्ड में कैसे डिज़ाइन करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।